तो इस सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर स्टडी करना है एक चीज़ जो आपने यहाँ से याद रखनी है वो ये है कि ये कैजियन इकनॉमिक्स का पार्ट है जो कि हमने स्टडी करना है जो पहले पिछले चैप्टर में देखा था जहाँ प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म देख रहे थे वो क्लासिकल इकनॉमिक्स का पार्ट था सेकेंड पैराग्राफ में से जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो सिर्फ़ इसके एजम्पशनस हैं ठीक है, है? एजम्पन्स क्यों बनाते हैं हम देखने के लिए कि हमने एक टारगेटेड एरिया है जिसको स्टडी करना है कि इनकम इफ़ेक्ट क्या होगा ठीक है तो उसके लिए हम बाकी चीज़ें जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में चेंजेस लेकर आती हैं जो चेंज हो रही होती हैं इफ़ेक्ट हो रही होती हैं उनको हम कॉन्स्टेंट तस्वर तो करेंगे और यहाँ पर बाकी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से देखेंगे कि सिर्फ हमारा जो टारगेट है हम उसी को स्टडी करें जमशेद जनाब इसके हैं कि सबसे पहला ये है कि प्राइसेस प्राइस इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा ठीक है सेकंड इसमें है कि फ़िक्स एक्सचेंज रेट के अंडर ये जो नेशन है वो ऑपरेट करेगी थर्ड इसका ये है कि जो प्राइसेस, वेजेस और इंटरेस्ट रेट ये सब कांस्टेंट रहेंगे और जो नेशन हमारी जिसको हम स्टडी करेंगे उसका जो आउटपुट लेवल होगा इक्विलिब्रियम का भी वो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट होगा ठीक है चलें अब आपके एक्समश हो गए इसका जो है आगे चलते हैं और आगे स्टडी करते हैं कि क्या है ये सारा ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है यहां पर ये आपने नहीं करना आपने अब आगे आना है सेवनटीन पॉइंट टू पे इनकम डिटर्मिनेशन इन अ क्लोज्ड इकोनोमी इसमें भी जनाब आपने जो है वो सिर्फ यहीं तक तो करना है अब जो पहले हमने पार्ट स्टडी करना है वो ये है कि क्लोज इकॉनमी के अंदर नेशनल इनकम एक नेशन की कैसे डिटरमिन होती है और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं माइक्रो की बुक में जहाँ क्लोज इकोनॉमी कौन सी होती है आपके लिए ये समझना बस काफ़ी है यहाँ पर कि वो इकॉनॉमी जो इंटरनेशनल ट्रेड में इंट्रैक्ट नहीं करती लोगों के साथ ट्रेड नहीं करती ठीक है तो वो होती है क्लॉज इकोनॉमी और उसका इनकम लेवल जो है वो कैसे डिटर्मिन होता है अब आगे उसको देखेंगे उसकी डायग्राम देखेंगे उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देखेंगे क्या क्या चेंजेस आते हैं जिससे इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज होता है ठीक है अब ये जो है ना आपको आगे इक्वेशन दे रहे हैं जहाँ सेवनटीन पॉइंट टू ए स्टार्ट हो रहा है अब यहाँ से शुरू करना है यहाँ जो इनकम डिटर्मिनेशन हो रही है उसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हैं कि इनकम वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई ठीक है इसमें गवर्नमेंट सेक्टर कोई नहीं है तो सी प्लस आई जो है वही वाई जो इनकम है उसके बराबर होता है अच्छा जी इन दोनों को प्लस करना है अच्छा अब इसमें देखें जो आपको वो चीज़ बता रहे हैं वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दी गई है वो है जनाब आपकी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम के साथ जिसका रिलेटेड नहीं है इनकम इंक्रीज डिक्रीज आने से इसमें कोई फर्क नहीं आता सेकेंडली जो आपको यहाँ पर उन्होंने का कॉम्पोनन्ट है वो है सी वाई ठीक है जिसके अंदर ऑटोनमस कंजम्पशन भी होती है लेकिन उसके अंदर इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी होती है जो कि एक्चुअली ये वाला हिस्सा जो है ये पार्ट होता है किसका यह इफ़ेक्ट हो रहा होता है इनकम में तो सो so, जो कंजम्पशन है वो फंक्शन है किसका इनकम का और इसका मतलब ये है पॉजिटिव फंक्शन होता है जिस वक्त आपका वाई इंक्रीज़ होता है तो आपकी जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज़ होता है अब यहाँ पर जो उन्होंने आपको दिया हुआ है ना ये जो आपका ये पार्ट होता है सी वाई कंजम्पशन फंक्शन का इसमें जो सी होता है ये आपको पता है कि ये एम पी सी होती है वो क्या कह रहे हैं कि वाई में इंक्रीज़ आने से आपकी कंज़म्पशन जो है उसमें तो इंक्रीज़ आएगा लेकिन ये जो इंक्रीज़ है ये इक्वल नहीं होगा और ये क्यों इक्वल नहीं होगा क्योंकि जिस आपकी जो इनकम होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है एक तो कंजम्पशन होती है दूसरी होती है सेविंग तो जिस वक्त आप कोई अगर सौ रुपया कमा रहे हो तो आप सौ का सौ खर्च नहीं कर दोगे कंजम्पशन पे आप उसमें से कुछ बचाओगे भी सेविंग भी करोगे जिस वजह से जितना इंक्रीज आ रहा होता है वाई में वो एक्जैक्टली इक्वल टू नहीं होता चेंज इन कंजम्पशन ये दोनों चेंजेस बराबर नहीं होते इसी वजह से जिसको हम कहते हैं ना चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन वाई विच इज़ इक्वल टू एम पी सी ये लेस देन वन होगा ठीक है तो यही आपका जो है फर्स्ट पैराग्राफ में यही चीज़ को समराइज किया गया अभी तक आकर आगे चलिए आगे वो आपकी जो है वो डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि नेशनल इनकम नेशनल इनकम कैसे डिटर्मिन होती है एक लॉज इकोनोमी में ठीक है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स थे इस इनकम के सी और आई अब इसमें टॉप पैनल है और एक जो बॉटम है उसमें पैनल दिया गया है दोनों में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर आपको नेशनल इनकम दी गई है और जो वर्टिकल एक्सिस हैं टॉप लेवल पर उसमें आपको दिया गया है एक्सपेंडिचर्स जो कि किसके बराबर होते हैं सी प्लस आई के तो कंजम्पशन और जो इन्वेस्टमेंट है वो दी गए हैं वर्टिकल एक्सिस पे अब जनाब आप पहले इस डायग्राम को, को देखिए कंफ्यूज नहीं होना थोड़ा कंफ्यूज नहीं लग रही है कि बहुत सारी लाइंस इसमें लगी हुई हैं मैं साइड पे आपको ड्रॉ करते चलिए ताकि आप एक एक लाइन को अलग अलग समझ सकें ऑटोनमस जो है आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छा जी अब इसको ड्रॉ करते हैं आपने जनाब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपको पता है एक्स एक्सिस पर क्या दिया गया है नेशनल इनकम और वर्टिकल एक्सिस पर है आपके पास ऊपर वाला जो आपका अपर है पैनल टॉप पैनल उसमें है सी प्लस आई या सी और आई दिए गए हैं ठीक है पहले आपकी कंजम्पन क्या है जो खाली कन्जम्पन कर रहा है सी का ठीक है जिसको सी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई कह रहे हैं ये जनाब आपकी ये जो आपका इंटरसेप्ट आता है वाई इंटरसेप्ट यह है कंज़म्पशन इक्वल टू हंड्रेड का और ये किस वक्त है जिस वक्त नेशनल इनकम आपकी ज़ीरो है अब हमने अब डिस्कस किया था कि कंज़म्पशन जो है सी नॉट जो इंटरसेप्ट पार्ट होता है कंज़म्पशन फंक्शन का वो क्या बताता है ये वो कंज़म्पशन होती है जिस वक्त आपकी इनकम ज़ीरो होती है और ये इनकम नहीं है तो आप कंजम्पशन की जो आपने एक्सपेंडिचर करना ही करना है वो कहाँ से करते हो वो आप अपने जो सेविंग होती है उसमें से पैसे निकाल कर ये कंजम्पशन करते हैं तो डिस सेव करने के बाद ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कवर किया जाता है जो सी नॉट या हंड्रेड जो इंटरसेप्ट है उससे शो हो रहा है आगे जनाब इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होती है आपकी जो सी है कंजम्पशन फंक्शन वो भी इंक्रीज होता जाता है ठीक है क्योंकि तो ये उसका पॉजिटिव फंक्शन है अब हम देख लेते हैं कि बॉटम पैनल के साथ ये जो डिस सेव का हमने वर्ड यूज़ किया है वो कैसे आ रहा है बॉटम पैनल में देखें आपको ये जो आपका है ना यहाँ एक्स एक्सिस वहां पर वाई है और जो वर्टिकल एक्सिस है वहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग है इन सेविंग जो है उसका कर्व ये जीरो है ना तो वो नेगेटिव हंड्रेड से शुरू हो रहा है ठीक है नेगेटिव हंड्रेड से शुरू हो रहा है यू करके ये सेविंग का कर्व है तो ये नेगेटिव हंड्रेड क्यों है इसका वाई इंटरसेप्ट क्यों क्योंकि ये वही बता रहा है जहां इनकम जो है वाई इक्वल टू जीरो है वहां पर कंजम्पशन कितनी है ऑटोनोमस हंड्रेड और ये हंड्रेड कहाँ से आ रहा है डिस सेव करके जो माइनस हंड्रेड का आपको सेविंग के लिए वर्टिकल इंटरसेप्ट दे रहा है वाई इंटरसेप्ट दे रहा है ठीक है अब देख लेते हैं कि इन जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें ऐड करके कैसा फंक्शन बनेगा ये देखें जी हॉरिजोंटल एक्सिस पर वाई ये हमारा फंक्शन था सी का जो कि हंड्रेड से शुरू हो रहा है अब हमें उन्होंने कहा जी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है ऑटोनमस आई नॉट यानी कि वो सेम रहेगी कांस्टेंट रहेगी जो कि आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर यू वर्टिकल दी गई है आई नॉट ठीक है या आई खाली से शो किया गया है इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम में चेंज आने के साथ साथ चेंज नहीं हो रही वो सेम रह रही है और इन्वेस्टमेंट का किसके बराबर दी गई है वन फिफ्टी तो जिस वक्त आप अपने इस कंजम्पशन का जो ये वाला आपका कर्व है इसमें वन फिफ्टी हर लेवल पर कंस्ट्रक्शन पे ऐड करते जाओगे तो आपको इसके एग्जैक्टली exactly एक पैरले लाइन मिलेगी जिसकी जो डिफरेंस है दोनों कर्व्स के बीच में वो एक्जैक्टली वन फिफ्टी के बराबर होगा ये जो न्यू लाइन आपके पास आ रही है ये सी प्लस आई है ठीक है तो ये टोटल क्या हो जाएगा हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी इक्वल टू टू फिफ्टी ये जो पॉइंट है ना ये टू फिफ्टी से शुरू हो रहा है अच्छा जी अब वो क्या कर रहे हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं ये अब टोटल लाइन को अभी ना देखें अभी आप ये सिर्फ टू लाइन को देखें जो हमने देखी है ड्रॉ किया खुद से ये आपकी कंजम्पशन की लाइन थी और उसके पैरेलल थी सी प्लस आई की ठीक है यहाँ पर आपका दिया गया है इनकम ये है सी और आई अब जनाब वो यहाँ पर आपके जो आपका है ओरिजिन यहाँ से एक फोर्टी फाइव डिग्री की लाइन ड्रा कर रहे हैं जो कि एग्जैक्टली दरमियान में होगी वर्टिकल हॉरिजोंटल एक्सिस के कह रहे जहाँ पे ये फोर्टी फाइव डिग्री वाली जो लाइन है ये क्रॉस करेगी सी प्लस आई वाली लाइन को इस पॉइंट पर ई e. यहाँ पर आपका जो है ना नेशनल इक्विलिवियम एक, लेवल वो आपके पास आएगा जो कि वाई इक्वल टू थाउजेंड के इक्वल है ठीक है और यहीं से ए, मिलता जुलता होगा यही लेवल ऑफ इनकम ये हॉरिजॉन्टल आपका एक्सेस सॉरी जो आपका बॉटम है पैनल उसके अंदर ये वाला ई जहाँ पर आपका ये जो आपकी है ना नोनमस इन्वेस्टमेंट ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस कर्व को सेविंग के कर्व को ठीक है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंटरसेट कर रहे हैं दोनों कर वहाँ पर आपके पास क्या डिटर्मिन होगी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो कि थाउजेंड के, के बराबर है और ये सारे दोनों पैनल्स के आपने इंटीग्रेट करके इसका कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन आपकी यहाँ पर हो जाएगी एक चीज़ और जो इसमें वो बता रहे हैं वो आगे जाकर डिस्कस होगा गए जिसका हम न्यूमेरिकली सॉल्व भी करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के तौर पर कि अगर आपकी जो अटोनमस इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर चेंज आ जाए और वो आई डैश बन जाए ठीक है यानी कि अब उसका जो हॉरिजॉन्टल यू कर्व है इन्वेस्टमेंट का बॉटम पैनल पर वो शिफ्ट हो जाए ऊपर को वो बन जाए आई डैश तो ये जो आपका पहले बना हुआ था ना एक इक्विलिब्रियम था जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट पर इंटरसेट करके अगर y इक्वल टू थाउजेंड आपके पास आ रही थी तो जो न्यू पॉइंट पे वो इंटरसेट करेंगे जिसको हम ई e डैश कह सकते हैं उस लेवल पर जो आपके पास न्यू इनकम लेवल होगा डिटरमिन इस पॉइंट पर उससे वो कह रहे हैं फोर्टीन फोर्टीन हंड्रेड के बराबर होगा ठीक है तो ये एक कैसे आएगा कैलकुलेशन के नंबर कैसे आएंगे वो हम आगे मल्टीप्लाई में देखेंगे फिलहाल ड्रा डायग्रामेटिकली ड्रा, लोअर पैनल हमने देख लिया अब अपर पैनल को देख लेते हैं यहाँ पर जनाब इस वक्त इन्वेस्टमेंट हुई है चेंज आपकी कितनी चेंज हुई है ये इसके अंदर जनाब हंड्रेड का चेंज आया ठीक है तो वन फिफ्टी से आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है टू फिफ्टी पहले हम आपकी जो कंजम्पशन कर था उसमें हम क्या प्लस कर रहे थे वन फिफ्टी ये कंजम्पशन कर्व था ये सी प्लस आई का कर्व था वन फिफ्टी करके ये आ रहा था लेकिन अब जो है वो आपने पहले अब जमा करना है इसके अंदर हंड्रेड का जो न्यू है इन्वेस्टमेंट जो कि किसके बराबर है सी प्लस आई डैश और आई डैश क्या है टू फिफ्टी का तो जिस वक्त वो प्लस किया तो ये आपके पास न्यू लाइन आ गई और ये जोजन औरिज, जो ओरिजिन से निकली लाइन इंटर कर रही थी इस लेवल पे आपको पहला मिल रहा था इक्विलीवरियम और ये आपका पहला वाई था वो अब इस लेवल पे शिफ्ट हो गया है और आपका जो इनकम सॉरी इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से आपकी जो इनकम है नेशनल इनकम वो भी इंक्रीज हो गई है जैसे बॉटम लेवल में हुई थी वैसे ही अपर लेवल में भी ये चेंज आएगा और इंक्रीज होगा आपकी नेशनल इनकम में किस तरह से जिस वक्त आपकी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आएगा